हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और एमबी टॉक्स देहरादून चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप सैमसंग पे और सैमसंग पे मिनी में एक फीचर है क्विक एक्सेस शॉर्टकट, इसको कैसे डिसेबल करना है। यूजुअली कुछ लोग अपने फ़ोन में जेस्चर फीचर का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेविगेशन फीचर, तो वहाँ पे ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है, बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सैमसंग पे ऐप को ओपन करना है, चाहे वो सैमसंग पे हो या सैमसंग पे मिनी हो। ऐप जब ओपन हो जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे थ्री बार पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाले आइकन पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड, तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में सैमसंग पे ऐप है तो यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शंस विजिबल होंगे, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड स्क्रीन ऑफ। एंड इन केस अगर आपके फ़ोन में सैमसंग पे मिनी ऐप है तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन ही दिखेंगे, पहले दो, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। स्क्रीन ऑफ वाला जो फीचर है वो सिर्फ सैमसंग पे ऐप में ही वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन ऑफ वाला फीचर है ये सिर्फ सैमसंग पे में ही वर्क करता है, सैमसंग पे मिनी ऐप में ये वर्क नहीं करता है। तो सिंपली हमारे को इन तीनों फीचर्स को डिसेबल कर देना है, और यहाँ से ये डिसेबल कर देने के बाद ये शॉर्टकट जो है हमारे फ़ोन की होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड अगर इन केस आपके फ़ोन में सैमसंग पे ऐप है तो लॉक स्क्रीन से भी ये रिमूव हो जाएगा। सो आई होप जो मेथड मैंने इस वीडियो में शेयर करा है आपके लिए यूजफुल हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।